हाय फ्रेंड्स, आई एम सुरभि गोयल। मैं एक हॉरोस्कोप रीडर हूँ, एक टैरो कार्ड रीडर हूँ और एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एक वास्तु कंसल्टेंट भी हूँ। और आज इस बेसिक टैरो कार्ड कोर्स के सीरीज में मैं लेके आई हूँ लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कार्ड स्ट्रेंथ को। ये जो कार्ड होता है, इस कार्ड का नंबर होता है नंबर 8 और इस कार्ड का नाम है स्ट्रेंथ। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका नाम है स्ट्रेंथ, इसका मतलब ये कार्ड हमें बताता है कि जो भी क्लाइंट का क्वेश्चन है या जो भी पर्सन का क्वेश्चन है, वो उस चीज को अचीव करने के लिए बहुत सारी मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है। बहुत सारा स्ट्रेंथ लगेगा और उसके बाद पर्सन उस चीज को अचीव कर पाएंगे। सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया, हम देखते हैं नंबर को। यहाँ पे है नंबर 8, विच मीन्स ये है सैटर्न का नंबर। जो सैटर्न होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आपने सीरीज में नहीं सुने हैं लेक्चर्स तो प्लीज गो एंड रेफर टू माय प्रीवियस लेक्चर्स। सैटर्न ना सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट होता है। आप सबने सुना होगा साढ़ेसाती आ गई। साढ़ेसाती का मतलब क्या होता है कि सैटर्न का अभी इम्पैक्ट आ गया है, जो उसका प्रॉपर डीप मीनिंग होता है। अगर कभी मैं एस्ट्रोलॉजी मैंने आपको पढ़ाई तो उसमें जरूर समझाऊंगी। बट सैटर्न दो सैटर्न 2.5 साल लेता है पूरा एक जगह से, एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए, इसीलिए इसको बोलते हैं साढ़ेसाती। ये सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है। और अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्लो कौन वॉक करते हैं? जो बहुत ओल्ड हो जाते हैं वो लोग स्टिक लेके वॉक करते हैं, धीरे धीरे वॉक करते हैं, वो लोग सबसे ज्यादा स्लो वॉक करते हैं। तो इसलिए जो सैटर्न होता है, सैटर्न को हम एक और चीज से डिनोट करते हैं, विच इज कॉल्ड जज, न्यायाधीश। अगर आप कुछ भी गलत करेंगे तो कोर्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी के भाई हैं, बहन है, बेटे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, डजंट मैटर कि आप कौन है, कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ एविडेंस के बेसिस पर केस लड़ा जाता है। और इसलिए अगर आप जितना भी जो भी चीजें आपने गलत की हैं या सही की हैं, अच्छी की हैं तो उनके रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और जो भी चीजें गलत की हैं उन सारी चीजों का सारा कच्चा चिट्ठा सैटर्न के पास होता है और हमें सारी चीजों के कार्मिक अकाउंट्स फिल करने पड़ते हैं। सैटर्न अपने साथ सक्सेस तो देता है लेकिन बहुत सारा स्ट्रगल लेके आता है। सबसे पहले आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सैटर्न खुद तो स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, वो आपको लेजीनेस देगा। सैटर्न कहेगा नहीं, लेजी बन जाओ, बेड पे रहो, सोते रहो। वो आपकी आपकी ब्रेन को इस तरह से अलाइन करेगा कि आपको हमेशा आलस का मन करेगा, लेकिन वही चीज को लड़ के आपको आलस की जगह आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टे वेरी वेरी एक्टिव। और इनफैक्ट ये सैटर्न की सबसे बड़ी रेमेडी भी होती है, एक्टिव रहिए, एक्सरसाइज करिए, स्वेट निकालिए, अपने पैरों पर इधर उधर घूमिए, मेहनत कीजिए। इसलिए इस कार्ड में पॉजिटिविटी मिलेगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो टोटली येलो है, पर्सन का ड्रेस भी वाइट है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, पॉजिटिविटी और सक्सेस मिलेगी, बट आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो बैकग्राउंड पूरा येलो है, विच मीन्स क्रिएटिविटी का कलर है। यहाँ पे हमें क्रिएटिविटी मिल सकती है, यहाँ पे हमें पॉजिटिव चीजें मिल सकती हैं, कुछ गुड न्यूज हमें मिल सकती है, लेकिन आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। अगर कोई हेल्थ के लिए आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? पहले स्ट्रगल है, उसके बाद कुछ अच्छा होगा। यहाँ जो ये पर्सन है, इसने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी है, मतलब जो भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा प्योर हार्टेड पर्सन है। जिस पर्सन ने भी आपसे क्वेश्चन पूछा है वो बहुत ऑनेस्ट है, उसका दिल साफ है, वो फेथफुल इंसान है। द पर्सन इज ऑल्सो वेरी फेथफुल, वेरी लॉयल, दिल उनका बिल्कुल साफ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक साइन बना हुआ है इस पर्सन के सर पे। ये साइन हमें क्या दिखाता है? डिवाइन ब्लेसिंग। इस साइन का मतलब है डिवाइन ब्लेसिंग, मतलब भगवान की पूरी पूरी कृपा है इस इंसान के ऊपर। एंड ऑल्सो डिवाइन ब्लेसिंग के साथ ये भी दिखाता है ये कार्ड, ये सिंबल, कि ये पर्सन रिलीजियस भी है। ये पर्सन खुद भी पूजा पाठ में बिलीव करता है, ये पर्सन भगवान को मानता है, भगवान से एक अच्छा कनेक्शन है इस पर्सन का। इनके अराउंड अब आप देखेंगे इनके सर पर एक ताज है जो फूलों का है। इनके ड्रेस के अराउंड भी यहाँ पर भी फूलों का ताज बना हुआ है, यहाँ पर भी देखिए फ्लावर्स हैं।
ये फ्लावर्स हमेशा क्या दिखाते हैं? प्रॉस्पेरिटी, मतलब इस पर्सन को मनी मैटर्स में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आ भी रही है तो स्ट्रगल के बाद इस पर्सन को बहुत सारा पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा, भर भर के बहुत सारा पैसा मिलेगा इस पर्सन को। यहाँ पे माउंटेन भी है, इसका मतलब इस पर्सन को स्टेबिलिटी भी मिलेगी लाइफ में, बट आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। अब जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है इस कार्ड की, हम उसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक शेर है, देर इज अ लायन इन द कार्ड, और ये जो लायन है इसकी बॉडी का कलर है रेड, रेड कलर का लायन है। और इसका जो मुंह है, ये जो पर्सन है जिन्होंने वाइट ड्रेस पहनी है, इन्होंने इस लायन का मुंह बहुत अच्छी तरह से पकड़ा हुआ है, बहुत ही अच्छी तरह से लायन का मुंह पकड़ा हुआ है, और ये इस लायन को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। जो लायन है वो कंप्लीटली ऊपर देख रहा है और उस लायन को क्या करना है क्या नहीं करना है एग्जैक्टली वो सारा कंट्रोल इस पर्सन के हाथ में है। तो यहाँ पे इस कार्ड में जो लायन है, कभी आप लोगों ने लाल रंग का लायन नहीं देखा होगा, इवन छोटे बच्चे भी जब लायन की ड्राइंग बनाते हैं वो येलो ब्राउन कलर यूज करते हैं, बट रेड कलर से लायन को कभी डिनोट किया ही नहीं जाता है। यहाँ पर क्योंकि लायन इस तरह से बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये इस इंसान का दिल दिखा रहा है, शेर जैसा दिल है। शेर कैसा होता है? दिल किस रंग का होता है? लाल रंग का। और शेर कैसा होता है? शेर का नेचर क्या है? भागना, खूंखार नेचर, जो मन में आया वो करना। तो अभी इस इंसान का दिल कैसा है वैसा आप अपने क्लाइंट को बोलेंगे कि देखिए आपका दिल ऐसा है कि आपको जो मन में आया वो करना चाहते हैं, किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। शेर जंगल का राजा होता है ना, उसी तरह से आपका दिल होता है कि आप हर चीज जो आपके मन की है वो करें, वैसे करें, उस तरह से करें। लेकिन दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड, आपको ये चीज बदलनी पड़ेगी। इस इंसान ने इस कार्ड में इस लायन को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया है, मतलब आपको अपने मन को, अपनी उन फीलिंग्स को, सपोज हेल्थ के लिए आया तो हम सबका मन करता है कि हम बर्गर पिज्जा खाएं, लेकिन आपको कंट्रोल करना पड़ता है कि नहीं, बर्गर पिज्जा ये चीजें मेरे लिए अच्छी नहीं है, आपको कंट्रोल करना पड़ता है। तो उसी तरह आपको कहना है अपने क्लाइंट को कि आप जो चीज चाहते हैं वो अचीव करेंगे, पैसा होगा, आप रिलीजियस है, भगवान की ब्लेसिंग है, और स्टेबिलिटी भी आएगी लाइफ में, लेकिन आपको अपने मन को बिल्कुल समझाना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। जब आप कंप्लीटली अपने मन को सरेंडर कर देंगे तब आपके लिए अच्छा होगा। सपोज कोई रिलेशनशिप के लिए आपसे पूछता है, आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि देखिए रिलेशनशिप ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी आपको सरेंडर करना पड़ेगा। इस वक्त आपको अपने आप को कंप्लीटली अपने पार्टनर के लिए सरेंडर करना पड़ेगा। जो आपके मन में आ रहा है आप चाहें कि वैसा हो जाए, वैसा नहीं हो पाएगा। आपको सरेंडर करना ही करना पड़ेगा अपने पार्टनर के सामने। आपको ये सोचना ही पड़ेगा कि अभी मेरा टाइम नहीं है, जो मेरा पार्टनर कह रहा है मैं उस तरह से ढल जाऊं, उसके बाद अच्छा टाइम आएगा, स्टेबिलिटी आएगी रिलेशनशिप में, बट आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। हो सकता है कि आपको 5 साल तक स्ट्रगल करना पड़े, उसके बाद बहुत पॉजिटिविटी आएगी। कम से कम 2 से 3 साल का स्ट्रगल इस कार्ड में दिखता ही दिखता है, और उसके बाद लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आएगी, बहुत स्टेबिलिटी आएगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, जो आप चाहेंगे वैसा होगा। बट इनिशियली आपको अपने मन को पूरी तरह मारना होगा। आपको बोला है रात तो रात, दिन तो दिन, हेल्थ में है तो जैसा डॉक्टर ने कह दिया आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, दिस वॉज ऑल अबाउट माई लेक्चर नंबर 14, और अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट कार्ड के साथ इन माई नेक्स्ट लेक्चर। कीप वॉचिंग दिस सीरीज, और अगर आप फुल कोर्स सीखना चाहते हैं, यहाँ पे आपको सिर्फ बेसिक कोर्स मिलेगा यूट्यूब पे। अगर आप फुल टैरो कार्ड कोर्स सीखना चाहते हैं विद ऑल प्रैक्टिस सेशंस आल्सो, विद ऑल स्प्रेड्स, विद एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द कार्ड्स, ऑल द रेमेडीज, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है उस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड यू कैन ज्वाइन माय टैरो कार्ड कोर्स। थैंक यू सो मच।